नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के थरौली स्थित वीपीएल मेमोरियल अस्पताल पर आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार को छापेमारी की। भारी पुलिस फोर्स के साथ 14 सदस्यों की टीम फैजाबाद से आई थी। आयकर विभाग की टीम की छापेमारी से अस्पताल में हड़कंप मच गया। टीम में शामिल अधिकारियों ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर चंद्रशेखर उपाध्याय से घंटों पूछताछ की और अस्पताल से संबंधित कागजातों की गहनता से छानबीन की। छापेमारी के बारे में टीम में शामिल अधिकारी राजेश कुमार ने कार्रवाई के बारे में कहा कि पड़ताल के बाद उनके उच्चाधिकारी के आने के बाद ही ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। आपको बताते चले कि डॉक्टर चंद्रशेखर का शुमार जिले के चुनिंदा ऑर्थोपेडिक सर्जनों में होता है और डॉक्टर चंद्रशेखर नगर पालिका सिद्धार्थनगर के भाजपा चेयरमैन श्याम बिहारी जायसवाल के दामाद हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संवाददाता धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। ये सर्वे का ऐसा है भैया, देखो अभी हम लोग इस पे कोई बयान नहीं दे सकते जी, समझ रहे हैं जी। अभी कार्यवाही चल रही है जी जी, और अभी हमारे हायर अथॉरिटीज भी आएंगे जो है जी, जी। तो तभी हम बता पाएंगे। अभी तो देखिए कार्यवाही चल रही है, अभी किसी निष्कर्ष पे हम लोग नहीं, क्या किसी शिकायत पे या ऐसे रूटीन में, क्या रूटीन कोर्स में ये सर्वे है जो है जी, सर्वे है, सर्वे मतलब एक हिसाब से छापा बोल सकते हैं इसको। सर्वे और सिर्फ दो चीजें होती हैं जी जी, तो ये सर्वे है। थोड़ा खुल के बताएं क्या छापा है या रूटीन है, क्या सर्वे, क्योंकि थाने दो तीन थानों की पुलिस उसके बाद बस्ती से फैजाबाद से गोंजा से सर्वे करने तो आएगी नहीं, जाहिर सी बात है छापा ही मारना है ना। वो छाप आप अपने शब्दों में छापा ही कहिए, लेकिन हमारा जो टेक्निकल शब्द है वो सर्वे है। क्या कुछ मिला आपको अभी तक? मिला अभी तो कार्यवाही चल रही है।